हे गाइस, वेलकम टू यनी यनी यूनिकर्स। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिटाची की तरफ से आने वाला इनका डेट टन 3 स्टार 2023 एसी। और आज की वीडियो के अंदर मैं इसी की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और देखते हैं क्या इसके फीचर्स और क्या क्या आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है। और आप एक और बात नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं काफ़ी ब्रांड्स की जो एसीज हैं उनको अनबॉक्स करने वाला हूँ और रिव्यू भी करूँगा, और साथ में जो सोनी की लेटेस्ट LEDs आई हैं उनको भी मैं रिव्यू करूँगा। तो इस कारण चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है हिटाची के 3 स्टार 1.5 टन फिक्स स्पीड एसी का बॉक्स, और सामने की तरफ आपको हिटाची की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। नीचे एयर लिखा हुआ है और साथ में इधर लिखा हुआ है स्प्लिट एयर कंडीशनर इंडोर यूनिट। तो बाकी हमें बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है, तो जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें इस हिटाची के बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले इधर हमें कुछ पेपर वर्क, वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल दी जाती है, और इधर हमें कुछ स्क्रूज देखने को मिल जाते हैं जिन्हें एसी की फिटिंग के अंदर यूज़ किया जाएगा। और इधर यूज़र मैनुअल आपको मिलती है, बट इसकी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि जो फिटिंग है वो कंपनी वाले आपके घर पर आकर खुद करके जाते हैं। और अभी हम रिमोट के बारे में अगर बात करें तो कुछ ऐसा सा आपको हिटाची का रिमोट देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं इसको इसके पैकेट से बाहर निकाल लेता हूँ। सो, ये है हिटाची का रिमोट। सामने ऊपर आपको हिटाची की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, नीचे आपको छोटी सी 2 इंच की आपको डिस्प्ले दी जाती है, और काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब लगती है ये रिमोट जो है देखने में। और अगर हम नीचे आएँ थोड़ा सा तो इधर हमें ऑन ऑफ बटन, मोड सेलेक्टर, फैन स्पीड, गुड स्लीप, इको, पावरफुल, टेम्परेचर, साइलेंट, फिल्टर, रीसेट, ऑन टाइमर, माई मोड, अप एंड डाउन, मतलब स्विंग आप इसको कर सकते हो, ऑफ टाइमर कर सकते हो, और एम्बियंस मोड इसके अंदर आप कर सकते हो। और इस रिमोट के अंदर आपको रिमोट के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। और इल्यूमिनेटेड है ये जो स्विचेज है, और ग्लॉसी आपको टेक्सचर इधर दिया जाता है, और पीछे की तरफ से आपको इधर स्टैंड ऐसा कुछ दिया जाता है जिससे आप इसको ईजिली हैंग कर पाओगे। और ऊपर इसका IR सेंसर दिया जाता है जो कि ग्लॉसी के अंदर है। और अगर आपको मैं इसका बैटरी कंपार्टमेंट ओपन करके दिखाऊँ तो इधर आपको 2 AAA बैटरीज की नीड पड़ेगी इसको पावर करने के लिए, बट आपको इस एसी के अंदर बैटरीज जो हैं वो नहीं मिलेंगी। तो अभी मैं आपको एसी का ओवरव्यू भी दिखाता हूँ। तो ये है हिटाची के एसी का फ्रंट, और फ्रंट आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपल और सोबर देखने को मिलता है। सामने हिटाची की ब्रांडिंग दी गई है, और ऊपर आपको 3M की कोटिंग जो है वो देखने को मिल जाती है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में क्योंकि इसके ऊपर आपको ज़्यादा डिज़ाइनिंग जो है वो नहीं देखने को मिलती, और सिंपल सोबर चीज़ वैसे ही अच्छी लगती है। और ऊपर आपको 3 स्टार की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और नीचे इसका मॉडल नंबर और ईयर लिखा हुआ है, और साथ में इधर इसकी कंप्रेसर टाइप, हीट पंप वगैरह जो कि आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और नीचे इधर हमें एक कंट्रोलर देखने को मिल जाता है, जैसे पावर ऑन का आपको इंडिकेटर दिया जाता है, फिर आपको इसका टाइमर का इंडिकेटर, टेम्परेचर इंडिकेटर, और अलग अलग चीज़ें आप इसके एक डिस्प्ले छोटी सी इन्होंने दे रखी है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है। और साथ में ये है इसका फ्लैप, और फ्लैप जो है आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिल जाता है। इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस वगैरह नहीं यूज़ करी गई, और इधर आपको एक एम्बियंस मोड की लाइट देखने को मिल जाती है। ये जो रिंग है इसके ऊपर आपको लाइट देखने को मिलती है। तो ओवरऑल एसी फ्रंट से ऐसा है। तो ये है इस एसी का टॉप, और टॉप पे आपको सिर्फ इसका ग्रिल देखने को मिल जाती है, कि इसके ऊपर प्लास्टिक की ग्रिल दे रखी है जिससे जो इसका डस्ट फिल्टर है और इंटरनल पार्ट्स हैं ये प्रोटेक्ट होते हैं। और नीचे आपको इसका जो डस्ट फिल्टर है वो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये है एसी का बैक, और बैक से आपको जो एसी है वो कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। इधर ही इसकी सभी पाइप्स, वायर्स, सारा इसका तामझाम जो होता है वो पीछे की तरफ ही होता है। और इधर आपको एक प्लेट भी देखने को मिल जाती है इसको वॉल पे माउंट करने के लिए। तो ये जो प्लेट है कंपनी वाले खुद ही आपको ऑफर करते हैं। तो ओवरऑल बैक से ये कुछ ऐसा लगता है। तो ये है एसी की साइड प्रोफाइल, और साइड से आपको एसी जो है वो बिल्कुल सिंपल देखने को मिलता है। आपको इसके ऊपर ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइंस का इधर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये है हिटाची के डेट टन 3 स्टार एसी का बॉक्स, और सामने की तरफ इधर आपको हिटाची की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है, और नीचे इधर हमें एयर लिखा हुआ मिल जाता है, और स्प्लिट एयर कंडीशनर आउटडोर यूनिट लिखा हुआ है, और ज़्यादा आपको बॉक्स में देखने को नहीं मिलता कुछ। तो ये है इसके बैक यूनिट का फ्रंट, और फ्रंट पे आपको हिटाची की ब्रांडिंग ऐसे आपको देखने को मिल जाती है। और साइड में इधर जो फैन है इधर हमें बिल्कुल एक ग्रिल देखने को मिल जाती है जिससे जो इंटरनल फ़ैन है वो प्रोटेक्टेड रहता है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये हिटाची ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है।
और आप इधर आपको साइड में लाइंस भी देखने को मिल जाती हैं। और इस एसी के अंदर आपको R32 गैस जो है वो आपको डालनी पड़ेगी। तो ओवरऑल इसका बैक यूनिट कुछ ऐसा दिखता है। तो ये है इसके बैक यूनिट की साइड प्रोफाइल। और साइड से इधर आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है, जिससे जो इसका इंटरनल रेडिएटर है वो प्रोटेक्टेड रहे। और इधर आपको इसका एक हैंडल देखने को मिल जाता है, जिससे आप इसको उठा सकते हो। और इधर आपको जो रेडिएटर है उसकी पाइप्स वगैरह और इसकी जो मेटल है वो देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल इसकी जो ग्रिल है ये इसको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। तो ये है इस बैक यूनिट की दूसरी साइड। और दूसरी साइड आपको कुछ ऐसी सी देखने को मिलती है, ये कुछ कवर्ड है। और इधर आपको एक वायर देखने को मिल जाती है, जो कि यूज़ होगी एसी की फिटिंग के अंदर। और ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, इसको आपको डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा। और इधर हमें कुछ इनलेट्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे पाइप्स जो हैं वो इस एसी के बैक यूनिट के अंदर कनेक्टेड होंगी। और इधर फिर से आपको एक हैंडल जो है वो देखने को मिल जाता है, जिससे आप इसको लिफ्ट कर सकते हो। और इधर इसका सीरियल नंबर वगैरह और ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और ओवरऑल बैक से कुछ ऐसा दिखता है। तो ये है इस बैक यूनिट की बैक। और बैक आपको कुछ ऐसी सी देखने को मिल जाती है। तो इधर आपको एक पाइप भी ऑफर की जाती है, जो कि इसके इनलेट के अंदर लगेगी। तो कुछ ऐसी सी पाइप जो है वो आपको मिल जाती है। अगर आपकी जो पाइप है वो ज़्यादा लगेगी तो वो आपको कंपनी वाले प्रोवाइड करेंगे, बट उसके चार्जेस जो हैं वो अलग होते हैं। तो पाइप हटाने के बाद इसका जो रेडिएटर है वो कुछ ऐसा दिखता है, और काफ़ी ज़्यादा मैसिव है ये, और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। और ओवरऑल ये मेन चीज़ है, ये कूलिंग करती है आपके एसी के अंदर। और कुछ ऐसी सी आपको सिंगल पाइप जो है वो इधर नज़र आ ही रही होगी। तो कुछ ऐसा सा आपको जो इसका बैक यूनिट है वो देखने को मिल जाता है, और नीचे तक भी पूरी साइड्स तक ये जो रेडिएटर है ये जाता है। तो ओवरऑल कुछ ऐसा सा आपको इसका बैक यूनिट देखने को मिलता है। तो अभी मैं आपको इस एसी के कुछ फीचर्स भी बता देता हूँ, पर उससे पहले आप ये चीज़ नोट कर लीजिए कि थोड़े दिन में मैं इसी का इन्वर्टर मॉडल भी डालूंगा, जो कि होगा 1.5 थ्री स्टार मॉडल, जो कि इन्वर्टर के अंदर होगा। ये जो मॉडल है ये फिक्स स्पीड मॉडल है, तो थोड़े दिनों के अंदर जो इन्वर्टर मॉडल है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसके अगर हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करें, तो इसके अंदर आपको एंटी बैक्टीरियल फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर आपको एम्बियंट मोड भी दिया जाता है, 5 स्पीड मोड इसके अंदर आपको दिए जाते हैं, ऑटो स्पीड, लो हाई, मीडियम, सुपर हाई और एक्सेट्रा मोड्स। और ये जो एसी है आपको 100% कॉपर के अंदर देखने को मिलता है, इसका फ्रंट यूनिट और बैक यूनिट दोनों ही। और साथ में इसके अंदर आपको 24 मीटर्स का एयर फ्लो देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एयर फ्लो है। और इस एसी का जो एयर फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा सुपर आपको देखने को मिलता है। और इस एसी के रिमोट के अंदर आपको माई मोड का फीचर भी देखने को मिलता है, उससे आप अपने हिसाब से इसके टेम्परेचर और काफ़ी अलग चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो। और साथ में इसे एसी के अंदर आपको क्लीन फिल्टर इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। 3M की इस एसी के ऊपर कोटिंग भी हो रखी है। तो यही थे इसके कुछ फीचर्स। तो अभी मैं आपको इस एसी का वर्डिक्ट भी देता हूँ। तो अब बात आ चुकी है मेरे वर्डिक्ट की, कि आपको हिटाची का Dayton 3 स्टार एसी परचेज करना चाहिए कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइस, सो मार्केट के अंदर ये आपको नियर अबाउट 35,000 से लेकर 36,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाता है। और जिस प्राइस पे ये एसी आता है ये काफ़ी ज़्यादा सुपर एसी है। और ये जो एसी है ये बिल्कुल हैवी ड्यूटी एसी है, और साथ में जैसे ये एसी फीचर्स ऑफर करता है वो आपको इस प्राइस रेंज के अंदर जो भी एसी ऑफर करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर फीचर्स हैं। और साथ में इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और हिटाची का जो सर्विस सेंटर आपको देखने को मिलता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड है। इस कारण हिटाची जो है लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, सर्विस का आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा अगर आप हिटाची का एसी परचेज करते हो। और ये जो एसी है ये 170 स्क्वायर फीट के रूम को आराम से कूलिंग कर देता है, कंपनी क्लेम करती है 150 प्लस माइनस 10 कर सकते हो आप। और अगर मैं अपना वर्डिक्ट दूँ तो ये जो एसी है आप अगर इसको आँखें बंद करके भी परचेज करते हो आप रिग्रेट नहीं करोगे। तो कुछ यही थी आज की वीडियो। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। सो तब तक के लिए गुड बाय, एंड एज ऑलवेज गेम ऑन।